नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा। बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब तक विधायकों से 250 से ज्यादा प्रश्न मिल चुके हैं, वहीं संबंधित विभागों के माध्यम से प्रश्नों के जवाब तैयार कराए जा रहे हैं। दरअसल पक्ष विपक्ष के 40 विधायकों ने सत्र को देहरादून में कराने की मांग रखी थी। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इस मौके पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन संचालित करने के लिए एजेंडा भी तय किया जाएगा। तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू हो रहा है जो आगामी 1 मार्च तक चलेगा। देहरादून विधानसभा में बजट सत्र का आयोजन किया जाएगा। पिछले दिनों उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र को गैरसैंण विधानसभा की जगह देहरादून विधानसभा में कराए जाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट सत्र को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में बजट सत्र के दौरान किए जाने वाले कार्यों और उसके संचालन की रूपरेखा बनेगी। देखिए, जो बजट सत्र हम लोग ला रहे हैं वो 26 से और 1 तारीख के बीच में हम लोग विधानसभा का सत्र ला रहे हैं, जो बजट सत्र हमारा होगा। और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी 2 दिवसीय बीजेपी का अधिवेशन दिल्ली में खत्म हुआ था, जिसमें बीजेपी के उत्तराखंड से 250 प्रतिनिधि शामिल हुए। बता दें कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने अधिवेशन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिवेशन में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। आने वाले 100 दिनों में लाभार्थी सम्मेलन के तहत देशभर में लाखों कार्यकर्ताओं के जरिए 6 करोड़ युवाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक लाभार्थी के पास जाकर प्रधानमंत्री की ओर से प्रणाम कहा जाएगा और केंद्रीय योजनाओं से मिलने वाले लाभ के भाव से लाभार्थियों के बीच जाया जाएगा और लाभार्थियों को नमो ऐप के माध्यम से मिस कॉल करवाकर प्रधानमंत्री से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का पत्र दिया जाएगा। यह अभियान पूरे देश में 1 मार्च से 5 मार्च तक चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से जो आह्वान रहा है कार्यकर्ताओं को पूरे देश भर के, जिस पार्टी ने, जिस नेतृत्व ने कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने का काम किया, देश की 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी को 370 के बहुमत के साथ पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम श्रद्धांजलि देंगे और 370 के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 में सीटें हासिल करेगी। और जो एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अब प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी को लेकर महारा ने कहा कि मैंने अपने स्तर से कोई दावेदारी नहीं की है, क्योंकि कई सर्वे में उनका नाम भी आया है। ऐसे में अगर पार्टी चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी देगी तो वे चुनाव भी लड़ेंगे। करण महारा ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस का फोकस सभी 5 लोकसभा सीटों को जीतने पर है। देखिए, बैठक में बहुत सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें नहीं बताई जा सकती। 35 से ज्यादा नामों पे डिस्कशन हुआ है और मेरिट्स और डिमेरिट्स पे भी बात हुई है, मुद्दों पे भी बात हुई है और अभी पहली बैठक है। इसके बाद 1-2 बैठकें और होंगी और उसके बाद ही स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी। आपके नाम को भी देखा? देखिए, मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया है, लेकिन हाँ, 1-2 जगहों से मेरा नाम भी आया है। वो सर्वे के आधार पर नाम आया है। मैं चूंकि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, मुझे 5 लोकसभा सीटों में तैयारी करानी है, लोगों की मदद करनी है, पार्टी को जिताने के लिए प्रयास करना है और पार्टी का सिपाही हूं। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी चुनाव जीतने के लिए जो राजमाइश करती हुई नजर आ रही है, इसी कड़ी में तैयारियों को परखने के लिए कांग्रेस की
महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंची। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि अलका लांबा ने अपने दौरे के दौरान नारी न्याय सम्मेलन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक में भी अलका लांबा ने शिरकत की, जिसमें महिला कांग्रेस की कई पदाधिकारी मौजूद रहीं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी 22 फरवरी को देहरादून आ रही है। 9:20 की उनकी सुबह फ्लाइट है। 11 बजे वो प्रेस को संबोधित करेंगे। सबसे पहले 12 बजे हमारा एक नारी न्याय सम्मेलन है, जिसमें महिलाओं के बहुत से इशू पे वो लोग वो बात करेंगी। और 3 बजे के आसपास हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी की बहनें हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे अलग से मिलना चाह रही हैं, तो वो एक बैठक है। उसके बाद शाम को उनकी वापसी। भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने देहरादून की मंडी समिति पर तालाबंदी कर दी, साथ ही मंडी समिति के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि यह प्रदर्शन किसानों के बकाया भुगतान की मांग को लेकर किया गया है। किसानों ने आरोप लगाया कि मंडी समिति किसानों का भुगतान नियमित रूप से नहीं करती है, जिससे विवश होकर किसानों को मंडी समिति आना पड़ा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने कहा कि 3-3 साल तक किसानों का भुगतान नहीं किया जाता है, पैसे मांगने पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। किसानों का कहना है कि जब तक उनका बकाया भुगतान नहीं किया जाता, तब तक वे यहां डटे रहेंगे। देखिए, अगर जो है किसान अपनी उपज सब्जी मंडी में लेकर आता है, चाहे फल है, सब्जी है या अन्न है, और उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। पेमेंट की भी एक लिमिट होती है, सरकार कहती है कि 72 घंटे में उनको पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 साल से लगातार आजकल हो रही है। तो आप ये बताइए कि तालाबंदी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। लेकिन जो ये हम पे शिकायत आई है, लास्ट 6 महीने पहले आई है हमारे पास, सितंबर से आई है हमारे संज्ञान में। जैसे से हमारे संज्ञान में, हमने त्वरित कार्रवाई की है। अब ये 2017 के चेक लेकर किसानों को आए, अब तक किसान भी आना चाहिए था ना। अगर 2017 के चेक रखें, 2010 के चेक रखें, तो अब हम उसमें क्या कर सकते। अगर वो 2010 में हमारे पास आते, 2011 में आ जाते, आप 2 करोड़, आज आप कह रहे हैं 2 करोड़, मुझे नहीं लगता कि 2 करोड़ है। जो हमने छानबीन की हमारे स्तर पर लगभग 85 लाख के आसपास बता रहे हैं, जो व्यापारी लोग बता रहे थे, उन्होंने कहा था करके कि 85 लाख है, उसमें से 27 लाख उन्होंने किसानों से लेने, 58 लाख की देनदारी है जो टोटली, वो भी अभी हमारे पास ऑन रिकॉर्ड नहीं कि कितना है। मतलब ये जो भी उन्होंने किसानों, तो व्यापारी ने, हमने तीनों व्यापारी को बुला भी रखा है और हमने कई बार कहा कि आपके। खबर अल्मोड़ा से है, जहां लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने पेंशन की मांग को लेकर कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए हाईकोर्ट के फैसले के तहत पेंशन की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक निर्माण और सिंचाई विभाग के नियमित वर्ग चार्ज कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने का आदेश जारी किया था, लेकिन राज्य सरकार ने एक्ट लाकर वर्ग चार्ज सीमा को अमान्य करार दे दिया, जिसके चलते रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। आप कौन लोग हैं, आप क्या? हम लोग अनियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के कर्मचारी हैं। हमारी मेन मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 में प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के तहत हमें वर्क चार्ज की सेवा को जोड़ते हुए हमें पेंशन का लाभ दिया गया था, लेकिन सरकार द्वारा, हमारी उत्तराखंड सरकार द्वारा 2022 में एक एक्ट लाया गया है, जिसके तहत हमारी वर्क चार्ज की सेवा को अमान्य कर दिया है, जिससे हमारे बहुत से कर्मचारी प्रभावित। राजधानी देहरादून को पॉल्यूशन फ्री सिटी बनाने पर सरकार का फोकस है, लिहाजा सरकार इलेक्ट्रॉनिक बसों पर संचालन को जोर दे रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने सचिवालय और विधानसभा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ई बस सेवा की शुरुआत की है। यह बस सेवा केदारपुरम से विधानसभा होते हुए सचिवालय तक संचालित की जा रही है, और इस बस से सुबह कर्मचारियों को कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा और बाद में शाम को उन्हें वापस घर तक छोड़ा जाएगा। वहीं इस बस सेवा के जरिए सरकारी कर्मचारियों को सुविधा दी जा रही है और पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो अब इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करने पर सरकार का फोकस है, इनकी संख्या बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। सचिवालय और विधानसभा के जो कर्मचारी हैं, उन्हें ऑफिस छोड़ने के लिए अब ई बस सेवा की शुरुआत की गई है। ये बस कर्मचारियों को ऑफिस छोड़ने के साथ साथ घर छोड़ने का भी काम करेगी, और
इस बस के संचालन के बाद पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगेगा। एक महीने निःशुल्क ट्रायल है, उसके बाद इसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो मुझे लगता है कि बस सेवा में के लिए एक बस या दो बस और लगानी पड़ेंगी। तो मैं इसके लिए पुनः मैं सभी लोगों का अपने साथ में सचिवालय जो हमारा संघ है, इसके हमारे जुझारू महासचिव हैं राकेश जोशी जी, उपाध्यक्ष पैनल जी हैं, सलाहकार है हमारे करम राम जी और मैकुरी जी हैं, हमारे संयुक्त सचिव हैं डसिला जी और लालमणि जोशी जी जो इसके नोडल अधिकारी थे, उन्होंने अपने कर्तव्य का बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन किया। मैं इसको विशेष इनको आभार देता हूँ। हमारे महासचिव, हमारे ज्वाइंट सचिव रावत जी हैं, तमाम हमारे साथी सब ने इसमें एकजुट होकर के इसको प्रारंभ किया, तो मैं इसके लिए मैं पुनः सबको धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार करूंगा, उन्होंने जो भी घोषणाएं शपथ ग्रहण समारोह की। देहरादून के गलजुआड़ी गांव के लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। गलजुआड़ी गांव के लोगों ने सचिवालय का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की है। आपको बता दें कि लंबे वक्त से ये लोग मांग कर रहे थे, जिन मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद अब सचिवालय का घेराव करने ये लोग पहुंचे हैं। बता दें कि ग्रामीण मालिकाना हक और आबादी घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल गलजुआड़ी गांव मुख्यमंत्री आवास और राजभवन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव में हजारों की आबादी निवास करती है, लेकिन अभी तक इस गांव के लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला है। ग्राम प्रधान लीला देवी के मुताबिक नैनीताल हाईकोर्ट ने मौजूदा सरकार को 4 महीने में इस ग्रामीण क्षेत्र के मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से आदेश पर कोई अमल नहीं किया गया है। हमारा ये जो गांव की आबादी का मामला है, ये बरसों पुरानी आबादी है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, ग्रामवासी उसमें बस गए थे, कोई अंगेली हाउसिंग सोसाइटी की कंपनी थी, उन्होंने उनको वहां बसा दिया था। मैं 2008 से मांग कर रही हूँ कि हमारी गांव की आबादी दर्ज किया जाए और इनको मालकाना हक दिया जाए। तब से इसमें मुख्यमंत्री घोषणा भी है, शासन द्वारा सचिवालय को सूची बनाकर सौंप दी थी, गाँव की सूची बनाकर, अभी तक इन्होंने आबादी डिक्लेयर नहीं किया है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको डिक्लेयर किया जाए, जो कि हमारा जो गांव भगवानपुर के खुबानपुर गांव की बेटी ने गांव का नाम रोशन कर दिया है। गांव की बेटी मोनिका शर्मा एसीपी बन गई हैं। एसीपी बनने के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ग्रामीणों ने मोनिका के गांव पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मोनिका शर्मा ने कहा कि वे गांव वालों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से ही इस मुकाम तक पहुंची हैं। सबसे पहले तो मैं इस गांव की बेटी जिसमें मैंने जन्म लिया उसको प्रणाम करती हूँ, और मेरे माता पिता और जो मेरे बड़े हैं यहाँ पे, मेरे बुजुर्ग बाबा दादी समान, मेरे माता पिता समान, मेरे बड़े, उन सबको मैं, जो यहाँ पे उपस्थित है और नहीं भी हो पाए किसी कारणवश, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले उन सबके आशीर्वाद से, इस गांव के देवता, इस गांव की मिट्टी के आशीर्वाद से मैं वहां तक पहुंची हूँ। और मेरी प्रेरणा है इस गांव के सारे जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, कि वो मेरे से भी, मैंने तो देश का नाम ऊंचा किया है अपनी फोर्स, अपने बल का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र उत्तराखंड का, वो मेरे से भी नाम ज्यादा कमाए और मेरे से भी ऊंचा नाम कमाए। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ABC Star News।